पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, कई सेक्रेटरीज के तकरार तबादले, किसी को मुतबादल महकमा मिला तो कोई ओएसटी बनाया, सेक्रेटरी एक्साइज बाबर शफी को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन सैयद अली मुर्तजा को सेक्रेटरी आबपाशी तैनात कर दिया गया, एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर दानिश अफसाल को एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन टू चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया, कमिश्नर एमडी दीगर बड़े अफसर भी तब्दील। बड़ी बड़ी पेशियों के हवाले से आज शहर का अहम तरीन दिन, शहबाज शरीफ को रिमांड मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा, अहद चीमा और फवाद हसन फवाद भी एहतसाब अदालत पेश किए जाएंगे, खाजा बरादरान को भी आज नैब ऑफिस में तलब किया गया है। शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत पेशी से कबल नैब लाहौर के सवालात, आपको मालूम है कि पैरागोन का ताल्लुक ख्वाजा साद रफीक से है, सवाल, शहबाज शरीफ ने मुतादित सवालात पर ला इल्मी का इजहार किया, पीएलडीसी बोर्ड के किसी मेंबर ने आपको कासा डेवलपर्स और पैरागोन का ताल्लुक बताया, सवाल, किसी ने रिश्वत ली मुझे नहीं मालूम, शहबाज शरीफ का जवाब, आशियाना स्कैंडल में बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दिया, साबिक वजीर आला पंजाब, नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी, हमजा शहबाज की जेर सदारत मॉडल टाउन में लीगी अराकीन असेंबली का अहम इजलास, तमाम अराकीन अपने साथ कारकुनान को लेकर एहतसाब अदालत पहुंचे, हमजा शहबाज शरीफ ने हदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली, जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया, पैरागोन सिटी हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तारी के डर से ख्वाजा बरादरान ने हाई कोर्ट से रजू किया था, नैब ने आज ख्वाजा बरादरान को तलब कर रखा है। जोहर टाउन का कब्जा माफिया मंशा बम डिफ्यूज, मंशा बम को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट अहाता इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया, मंशा बम गिरफ्तारी देने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सदर डिवीजन पुलिस मंशा बम को लाहौर लाने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पंजाब में पुलिस का कमांडर तब्दील, अमजद जावेद सलीमी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब का चार्ज संभाल लिया, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुसूसी तकरीब, नए आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, अमजद जावेद सलीमी सलामी के चबूतरे पर तन्हा, फारिग होने वाले आईजी मोहम्मद ताहिर दफ्तर में ही बैठे रहे, रवायात से हटकर अपने पेशरों का इस्तकबाल किया ना ही तकरीब में शिरकत की, मोहम्मद ताहिर ने तकरीब में शिरकत ना करके बहुत सारे सवालात का जन्म दे दिया। अफसरान को लगाना और हटाना हुकूमत का काम है, हमारा काम खिदमत करना है, मौजूदा हुकूमत पुलिस में इस्लाहात चाहती है, अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखकर इस्लाहात लाएंगे, आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की ओहदे का चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगु, बोले मंशा बम जैसे बहुत से बम हैं, सबको गिरफ्तार करेंगे। पंजाब का जिमनी बजट, साफ पानी में 12 अरब का इजाफा, फूड अथॉरिटी के बजट भी बढ़ा दिया गया, लाहौर न्यूज ने अहम मंसूबों के लिए मुख्तस रकम का खोज लगा लिया, सेहत के लिए 2 खरब 84 अरब 58 करोड़ मुख्तस, पंजाब फूड अथॉरिटी का बजट 4 अरब 63 करोड़ से बढ़ाकर 7 अरब 33 करोड़ कर दिया गया, स्पेशलाइज हेल्थ के लिए 1 खरब 34 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस, बजट अगले माह 8 माह के लिए पेश किया जाएगा, वजीर आला पंजाब कहते हैं पीटीआई का पहला सूबाई बजट पार्टी मंशूर का आईनादार होगा, पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी इकदाम नजर आएंगे। हुकूमती इंसाफ के दावों का पोल खुल गया, लीगी कारकुनान पर तशद्दुद के बाद उल्टा मुकदमा दर्ज करवा दिए गए, अस्पताल वाले भी जख्मी कारकुनान की रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की निस्बत रोड आमद, जख्मी कारकुनान की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, मंसूबों के सिर्फ फीते नहीं काटेंगे अमली काम होगा, पंजाब के हर जिले में सफाई सुथराई का बेहतरीन मैकेनिज्म लाएंगे,
काम बोलेगा। पंजाब में जो कर सकते हैं करके दिखाएंगे। महकमा बल्दियात के अक्सर शोबों में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएंगे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की महकमा बल्दियात के अफसरान को खसूसी इजलास में हदायत। इंसानी खिदमत के इदारे रेस्क्यू 1122 के क्याम पर आज भी फख्र है। महकमे में जो कमी रह गई वो तरजीही बुनियादों पर पूरी करेंगे। चौधरी परवेज इलाही यकीन दिलाते हैं तमाम रेस्क्यू अमला नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगा। इंसानी खिदमत का ये मिशन कामयाबी से जारी रहेगा। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर रेस्क्यू 1122 के अवामी खिदमत के 14 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। निहारी मुर्ख चने सिरी पाए जो बनाए साफ सुथरा बनाए वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी का हफ्तावार नाश्ता पॉइंट चेकिंग मुहिम का दूसरा रोज 7 मारूफ नाश्ता पॉइंट सील कर दिए। मलिक निहारी सना मुर्ख चने अलफजल कैपरी फजले हक चाचा चुका फूड पॉइंट बंद कर दिए गए। खबरदार होशियार हेलमेट की पाबंदी का होगा अब शहर भर में निफाज। लाहौर हाई कोर्ट ने हर सड़क पर हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने खिलाफ वर्जी पर अब तक होने वाले जुर्मानों की तफसीलात भी तलब कर ली। जैनब के कातिल मुजरिम इमरान की खानदान से आखिरी मुलाकात का परवाना जारी। मुलाकात आज दिन 12 बजे कोर्ट लखपत जेल में करवाई जाएगी। जैनब के वालिद मोहम्मद अमीन अंसारी का एक मरतबा फिर मुजरिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान मुजरिम को सरेआम फांसी के लिए अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद अमीन अंसारी मुजरिम को सरेआम फांसी देने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी से आज वजाहत तलब कर ली। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा लाहौर समेत पंजाब के मजीद 10 शहरों को मंसूबे में शामिल करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तें आइंदा साल के आगाज में वसूल की जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ मजीद 10 शहरों में तैयारी की जा रही है। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद ने इंसदाद खसरा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 15,000 टीमों ने काम शुरू कर दिया। 1 करोड़ बच्चों को घर घर जाकर और तिब्बी मराकज में हिफाजती टीके लगाने का हदफ। इससे बड़ी मुहिम पहले कभी नहीं चलाई गई। डॉक्टर यास्मिन राशिद। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में ट्रैफिक वार्डन्स के लिए तरबियती प्रोग्राम। सीटीओ मलिक लियाकत और 800 से ज्यादा वार्डन्स की शिरकत। मारूफ अदाकार सोहेल अहमद बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब का हिस्सा बने। और दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन की सीनियर गर्ल्स ब्रांच में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मारूफ स्कॉलर कासिम अली शाह ने तलबा को कामयाब जिंदगी के गुर बताए।